बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल चिकन कॉर्न सूप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हड्डी वाला चिकन, 8 ग्लास पानी, नमक, काली मिर्च, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, अजीनोमोटो, कॉर्नफ्लावर और मकई के दाने। सूप बनाने के लिए हम हमेशा हड्डी वाला चिकन ही इस्तेमाल करते हैं। आप उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, आप चाहें तो साबुत लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं। 1 इंच का टुकड़ा आप डाल दीजिए अदरक का और 3-4 जवे लहसुन के। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, उसके अलावा नमक है और काली मिर्च है। नमक और काली मिर्च हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में यखनी में अगर आप ये डालें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपने 6 कप सूप बनाना है तो आप इसके अंदर 8 या 8.5 कप पानी डालिए, क्योंकि जब ये यखनी पकेगी तो उसमें पानी एवेपोरेट होगा। तो जितना आपको सूप चाहिए आप उससे 2 या 3 कप पानी ज़्यादा डालिए, ताकि इन द एंड जब सूप तैयार हो तो वो उतना हो जितना आपको चाहिए। इसको आपने 20 से 25 मिनट तक तो पकाना है। खूब अच्छे से इसमें बॉईल आए, काफ़ी देर तक ये उबलता रहे और चिकन इसमें अच्छी तरह से गल जाए, उस टाइम तक आपने इसको पकाना है। साथ साथ इसके ऊपर अगर झाग आ रही है तो आप उसको हटा दे जाइए और उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि जब आप चिकन बॉईल करते हैं तो फिर उस पर झाग आ जाती है। ये देख लीजिए, 20 से 25 मिनट के बाद जो है वो चिकन बिल्कुल गल गया है और हमारी जो यखनी है वो बिल्कुल तैयार है। बचपन में सर्दियों में यखनी बनाने का जो है वो बहुत ही फैशन था, लेकिन अब ज़रा ये आउटडेटेड हो गया है। बच्चे यखनी पीना पसंद ही नहीं करते, तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप सूप बनाइए और इस बहाने बच्चे सूप भी पी लेंगे और सर्दी से भी महफूज रहेंगे। ये एक तरह से पूरी ग़िज़ा भी है और आप चाहें तो अपनी दावतों में इसको एज एन एपेटाइज़र भी सर्व कर सकते हैं। सूप बनाने की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि चिकन की जो स्मेल होती है वो कैसे जाएगी, क्योंकि बाज़ों का सूप में चिकन की स्मेल आ रही होती है। तो लहसुन अदरक जो है वो उस स्मेल को भगाने का काम करेगा। बेफिक्र होकर आप जिस रेसिपी से मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही सूप बनाइए। यखनी तैयार हो जाए तो आपने इसको छान लेना है। इसमें से चिकन के पीसेस आप अलग कर लीजिए, उनको श्रेड कर लें और जो इसमें प्याज और अगर आपने साबुत लहसुन अदरक डाला है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन चिकन के पीसेस निकाल लीजिएगा। उसमें से आपने गोश्त अलग करना है और हड्डियों को डिस्कार्ड करना है। इस स्टेज पे आप चेक कर लीजिए कि जितना सूप आपको बनाना है क्या उतनी यखनी है, और अगर उससे कम है तो इसमें आप मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है और इसके अंदर मैं मकई के दाने शामिल करूंगी। मकई के दाने मैंने टिन के इस्तेमाल किए हैं जो कि कैंड आते हैं, और वही आप इस्तेमाल कीजिए। उसका जो लिक्विड है उसे डिस्कार्ड कर दीजिए और सिर्फ दानों को इस्तेमाल कीजिए। बाज़ लोग इन्हें पीस के भी डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप इन्हें साबुत डालते हैं तो ये ज़्यादा मज़ा देते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें फ्रोज़न कॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़े कॉर्न मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। शायद उनको गलाने के लिए आपको काफ़ी पकाने की ज़रूरत होगी, तो अगर आप ताज़ा इस्तेमाल करें तो प्लीज़ ज़रूर चेक करें कि वो गल जाएं। बेहतर तो यही होगा कि आप टिन वाले या कैन वाले इस्तेमाल करें, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब आप इसके अंदर यखनी डाल दीजिए। इस स्टेज पे आप इसमें अजीनोमोटो डाल दें। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत से लोग नहीं पसंद करते, तो आप मत डालिए। इसमें आप सिरका डालें, सिरका 1 टेबलस्पून से ज़्यादा मत डालें इस स्टेज पे, क्योंकि ये बहुत खट्टा हो जाएगा अदरवाइज़। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और यही वो स्टेज है जिस पे आप इसकी सीजनिंग चेक कर लें कि इसमें नमक और काली मिर्च जो है वो आपके टेस्ट के हिसाब से है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। अब आपने यखनी को उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए, यानी कि मकई भी इसमें अच्छी तरह से पक गई है और गोश्त के रेशे भी अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल हो गए हैं। इस स्टेज पे आप कॉर्नफ्लावर को जो है ठंडे पानी में घोल लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिए। एक साथ अगर आप डालेंगे तो सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा डालिए, उसको मिक्स करके देखें। जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, जितना गाढ़ा सूप आपको चाहिए, जैसे ही सूप उतना गाढ़ा हो जाए आप बिल्कुल रुक जाइए। अगर आपने 6 चम्मच कॉर्नफ्लावर घोला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरे का पूरा उसमें डालना है। तो जो उसकी स्लरी आप बनाएंगे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालिए और सूप को चेक करते रहिए।
बाज लोग कॉर्नफ्लावर डालते ही चूल्हा बंद कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्नफ्लावर के अंदर एक टेस्ट होता है, अगर उसे प्रॉपरली बॉयल ना किया जाए तो वो टेस्ट आपको सूप में ज़रूर फील होता है। तो इसलिए कॉर्नफ्लावर डालें और राइट कंसिस्टेंसी का सूप हो जाए, जितना गाढ़ा आपको चाहिए उतना हो जाए और एक बॉयल आ जाए उसमें, तो फिर आपका सूप तैयार है। उससे पहले चूल्हा मत बंद कीजिएगा। इतना गाढ़ापन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ठंडा होकर सूप मज़ीद गाढ़ा हो जाता है और अगर आप ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें बॉयल आ रहा है और इस वक्त हम जो है वो दो अंडे फेंट कर इसके अंदर डालेंगे। बाज़ लोग सिर्फ सफ़ेदी शामिल करते हैं, लेकिन मैं पूरा अंडा ही शामिल करती हूँ और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात का ध्यान रहे, जैसे ही आपने अंडा डालना है साथ साथ आपने एक हाथ से चम्मच चलाना है, वरना अंडे का बहुत बड़ा सा एक लंप फॉर्म हो जाएगा, आपने वो नहीं करना है। आप साथ साथ चम्मच चलाइए ताकि अंडे के रेशे भी बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे चिकन के रेशे हैं और उसकी वजह से बहुत खूबसूरती आती है। ये देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। हल्के हाथ से आप विस्क को चलाते रहें, अंडा खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। सूप बहुत गर्म है, फटाफट अंडा पक जाएगा। गर्मा गर्म सूप तैयार है, रेडी टू सर्व है। इसको सर्व कीजिए। मैंने आपको ब्रेड स्टिक्स बनानी सिखाई थी, उसके साथ इसे सर्व कीजिए। सिरके में थोड़ी सी हरी मिर्चें डालें, सोया सॉस रखें, चिली सॉस रखें, नमक काली मिर्च के साथ इसको सर्व करें और खूब तारीफ़ें बटोरें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।